हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। मोटिवेशन की थियोरीज मैं कवर करवा रही थी, उसमें आज की क्लास जो है वो किस बारे में है, एडम की इक्विटी थियोरी के बारे में। ठीक है, मैंने बाकी सारी वीडियोस में लास्ट में जो है एक चीज चेंज की थी कि जो टाइलर की थी वो इक्विटी थियोरी नहीं थी, वो मोटिवेशन थियोरी है, तो वो इक्विटी वहां से हटा लीजिएगा लास्ट में जो मैंने स्लाइड्स दी थी उनमें से। ठीक है जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इनकलकेट लर्निंग को बिल्कुल फ्री है, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा यहां पे। ठीक है, सो मोटिवेशन की दो टाइप की थियोरीज मैं करवा रही हूं, एक है कंटेंट थियोरीज और दूसरी है प्रोसेस थियोरीज। कंटेंट थियोरीज हम सारी की सारी कर चुके हैं, प्रोसेस थियोरीज हमारी इसके बाद दो बची हैं। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे एडम की इक्विटी थियोरी। देखिए, इक्विटी क्या होता है, जिसको जितनी जरूरत हो ऐसा आप लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस होता है, जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूं। सो ये थियोरी क्या प्रपोज करती है कि जो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन है इन द वर्क प्लेस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन ईच एम्प्लॉय परसीव्स देयर ट्रीटमेंट टू बी फेयर रिलेटिव टू अदर्स। पॉइंट ये है कि मान लीजिए आप या मैं किसी कंपनी में जॉब करती हैं, उस कंपनी में मैं जितना काम करती हूं उस बेसिस पे मुझे अपनी पे मिलती है, आप जितना काम करते हैं उसके हिसाब से आपकी पे मिलती है। अगर वो चीज फेयर है, मतलब मान लो पे सेम मिल रही है लेकिन मैं ज्यादा काम कर रही हूं आप कम काम कर रहे हैं, सो वो क्या है, डीमोटिवेशन होगा कि यार मैं क्यों इतना काम कर रही हूं फिर, राइट। सो वो चीज है कि आप फेयर, अगर आपको वहां पे मिल रही है चीजें, अगर आप फेयर ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, सो वो चीज को क्या बोल रहे हैं, ये इक्विटी बोल रहे हैं। ओके, यानी वर्क प्लेस पे किस चीज का मोटिवेशन में सबसे ज्यादा रोल होता है, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को हाई लेवल पे पहुंचाने में, चीजों का फेयर होना, फेयर ट्रीटमेंट मिलना, जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से। सो इन अ नटशेल एडम ने बोला कि एज एन एम्प्लॉय आप कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से, और आप मतलब ट्राई टू मेक थिंग्स फेयर एज यू परसीव देम, आप सोचते हैं उस बारे में कि वो कितना काम कर रहा है, मैं कितना काम कर रही हूं, या मुझे कितना पे मिल रहा है, उसको कितना मिल रहा है, कि वो तो कुछ भी काम नहीं करते पूरे दिन और बस बैठे रहते हैं, तो सिर्फ एक साइन के इतने पैसे कैसे। तो वो क्या है कि आप इक्वल लेवल पे हैं वैसे तो आपकी कंपनी वाइज, बट स्टिल आपको कम ज्यादा या फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ओके, सो आप पॉइंट ये कि आप कंपेयर करते हैं दूसरों से कि उनको कितना पे या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनका आउटपुट क्या है, उनका इनपुट क्या है और हमारा क्या है, उस चीज के बारे में ये थियरी बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अर्न हाफ व्हाट योर कलीग्स अर्न बट डू प्रिसाइजली द सेम वर्क, व्हाट विल यू डू। यानी कि आपके जो पॉइंट ये है कि आपके जो साथ वाले हैं, कलीग्स हैं, उनको सेम पैसे मिल रहे हैं बट काम जो है ज्यादा कम हो रहा है, आप ज्यादा काम कर रहे हो। ओके, या फिर आप जो है आधा पैसा आपको मिल रहा है एज कंपैरिजन टू योर कलीग बट उससे ज्यादा काम करते हो, या फिर अराउंड अराउंड सेम ही तो काम करते हो बट आपको पैसे कम मिल रहे हैं। ओके, सो एडम ने सजेस्ट किया दैट यू विल एडजस्ट योर इनपुट्स टू कंपनसेट फॉर द प्रसीव्ड अनफेयरनेस ऑफ रिसीविंग हाफ द पे। यानी अगर आप काम ज्यादा कर रहे हो और आपको पे हाफ मिल रही है, तो कुछ टाइम बाद आपके जो इनपुट्स हैं कि मैं क्यों ज्यादा काम करूं, फिर आप भी उस चीज को अवॉइड करने लग जाओगे अपनी पे को कंपनसेशन करने के लिए। यानी आपके जो साथ जो अनफेयर चीजें हो रही हैं कि आपको कम पे मिल रही है बल्कि काम आप उतना ही कर रहे हैं, सो आप अपना जो इनपुट, मतलब आपको आउटपुट तो सेम नहीं मिल रहा है दूसरे के हिसाब से, दूसरे के साथ कंपेयर करके, सो आप अपना इनपुट कम कर देंगे उस हिसाब से। ओके, आप अपने इनपुट को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, सो किसी भी कंपनी में अगर हम बात करें तो एक एम्प्लॉय की सिचुएशन को हम कैसे असेस कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बाय कंसीडरिंग देयर एक्सपीरियंस विद इन देयर करंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, बाय एग्जामिनिंग देयर एक्सपीरियंस, बाय कंपेयरिंग देमसेल्व्स, कंपेयर करना, एंड बाय कंपेयरिंग देमसेल्व्स आउटसाइड, मतलब पहले तो आप कंपनी के साथ लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, फिर आप बाहर वाले लोगों के साथ भी कंपेयर कर रहे हो। सो एम्प्लॉय क्या करता है, इस तरीके से कंसीडर करता है कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसको एग्जामिन करना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कि पहले कितना था अब कितना एक्सपीरियंस है। ओके, कंपेयर करोगे आप दूसरों के साथ या पहले वाली कंपनी के साथ। सो जे स्टेसी एडम्स, ये इनका पूरा नाम है, इन्होंने इक्विटी थियरी दी है जो कि प्रोसेस मॉडल ऑफ मोटिवेशन है, यानी प्रोसेस थियरी है। ये क्या बोलती है कि जो लेवल ऑफ रिवॉर्ड हमें मिलते हैं हम उनको कंपेयर करते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है और हमें अवार्ड जो है वो, रिवॉर्ड जो है वो कितना मिला है। थियरी इस चीज को कंसिडर करती है दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड फेयरनेस होना चाहिए। अब वो कैसे आप डिसाइड करेंगे, वो यहाँ पे
दो तरीके हैं, एक आप इनपुट देखेंगे और एक आप बेनिफिट देखेंगे कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। सो एडम की इक्विटी थियरी हमें तरीके बताती है कि हम कैसे कंपेयर करते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल नीड टू फील कि वो जो रिवॉर्ड उनको मिल रहा है वो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इंट्रेंसिकली फेयर है। वो कैसे पता चलेगा, ये फेयर लाइन है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है या बेनिफिट है। ओके, ये जो लाइन फेयर लाइन ऑफ रिवॉर्ड है, इससे ऊपर भी अगर आपको ज्यादा मिल रहा है, आप काम कम कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, एक इंफीरियोरिटी, एक गिल्टी फील होगा। और अगर आपको कम मिल रहा है, या फिर हो सकता है ज्यादा वाले को, बाकी लोगों को आपसे इंफीरियर फील हो, लेकिन आपको क्या हो, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आ जाए। दूसरा, आप अंडर कंपनसेटेड फील करते हो जब आपको कम पैसे मिलते हैं या कम आपके काम के हिसाब से आपको बेनिफिट्स कम मिलते हैं। ओके, सो ये फेयर लाइन है कि आप जितना काम कर रहे हैं उतना ही आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप ये कंपेयर करके देखेंगे। दूसरे नंबर पे आप अपने काम को दूसरों से कंपेयर करके देखेंगे। पहले तो आपने अपने काम को अपने बेनिफिट से कंपेयर किया, दूसरा आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को बाकी लोगों के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करके देखेंगे। ओके, ये आपकी रिवॉर्ड लाइन है कि इतना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। अब आपके पीयर्स को अगर ज्यादा काम, ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, सो यू विल थिंक कि वो अनफेयर है और आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। अगर आपके पीयर्स को कम मिलता है, सो आपको गिल्टी भी फील होगा कि आप, मतलब आपने कम किया है बट स्टिल आपको ज्यादा मिल रहा है। ओके, अगर आप पीयर्स से ज्यादा काम बराबर कर रहे हैं बट आपको उनके हिसाब से बेनिफिट्स ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये दो तरीके जो है इन्होंने बताए कि आप कैसे, अगर आप इन दोनों टेस्ट में पास हो जाते हैं, यानी आपका रिवॉर्ड लाइन भी सही है और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन वाली लाइन आपके बेनिफिट के हिसाब से भी सही है, सो अगर आप ये पास कर लेते हो, दैट मींस आपका जो अरेंजमेंट है, वर्किंग एनवायरमेंट है, वो बिल्कुल फेयर है और इक्विटेबल है। और अगर चीजें फेयर और इक्विटेबल होंगी तो आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे। ये चीज जो है एडम की इक्विटी थियरी बात करती है, ठीक है जी। सो ये दो टाइप की थियरीज, कंटेंट एंड प्रोसेस थियरीज, ये एडम की इक्विटी थियरी आज हमने कर ली। सिर्फ दो थियरी बची हैं, बाकी सारी थियरीज मैं करवा चुकी हूं, नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।